हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड? फ्रेंड सुबह के 9 बज रहे हैं और दोस्तों मैं अभी अभी उठा हूँ। निश्चल भी उठ गया लेकिन ये देखो सोफे पे आके फिर से सो गया। नींद क्यों आ रही है? ट्यूशन का होमवर्क नहीं करना तेरे को? हद है निश्चल। सुबह का सबसे पहला काम सालू का चाय बनाना। क्या बात है सालू, बड़ी खूबसूरत दिख रही है आज तो तू। चाय पी रही है, मेरे लिए भी चाय बना लेती एक कप। चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तूने। हैं, सुबह का नाश्ता आ गया दोस्तों। सुबह के नाश्ते में है लौकी और आम की सब्जी, रोटी और रायता। आज सालू ने जल्दी बना दिया ब्रेकफास्ट। बेटा तेरे लिए राजमा बन रहा है। जब मम्मी ने बोला था आम और लौकी की सब्जी खा ले, तब तो तूने बोला नहीं मेरे को नहीं खाना आम लौकी की सब्जी, मेरे लिए राजमा बनाओ। तो अब मम्मी राजमा बना रही है। आज सालू सुबह से ही खाना बना रही है। मेरे लिए ब्रेकफास्ट में बनाई थी आम और लौकी की सब्जी, और अब निश्चल बोल रहा है मेरे लिए राजमा बनाओ, तो उसके लिए राजमा चावल बना रही है। क्या बात है सालू, आज सुबह से ही खाना बना रही है। मेरे लिए बनाई थी आम और लौकी की सब्जी और अब राजमा चावल। खाना भी बना रही है और साथ में बर्तन भी धो रही है। क्या बात है, कसम से बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, क्योंकि इसको दो दो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा है। एक तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाई है और अब निश्चल के फरमाइश पे बन रहा है निश्चल का फेवरेट ब्रेकफास्ट। घर में बहुत बर्तन हो गए थे, सालू ने बर्तन भी धो लिए और साथ में राजमा भी बना लिया। आज निश्चल की फरमाइश पे बना है राजमा चावल। निश्चल का फेवरेट ब्रेकफास्ट आ गया है, राजमा चावल और रायता। निश्चल बोल रहा था सुबह में, मम्मी मैं आम लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए राजमा चावल बनाओ। क्या बात है जानू, तुम राजमा चावल नहीं खा रहे, राजमा रोटी खा रहे हो। तुम्हारी तो फेवरेट है राजमा चावल। निश्चल जाके नहा ले, ठीक है ना? फिर पानी नहीं आएगा, कब नहाएगा तू? ये कौन सी बात होती है बेटा, फिर पानी चला जाएगा, फिर शाम को ही आएगा पानी। निश्चल नहाने के लिए नहीं जा रहा था, मैंने उसको बोला बेटा नहाने चले जा क्योंकि पानी नहीं आएगा, तो अभी गया है नहाने के लिए। मैंने उसको बोला चॉकलेट ला दूंगा शाम को, तब गया है नहाने के लिए। नहीं तो बोला था पापा मैं आज नहीं नहाऊंगा, मैं कल नहाऊंगा। चल नहा के आ गया है और निश्चल बोल रहा है पापा मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, आप मार्केट चले जाओ और मेरे लिए ना बनाना और मैंगो लेके आ जाओ। इतनी नाराज क्यों हो रही है जानू, इतनी नाराज मत हुआ कर। हैं, इतने कपड़े तूने धोए आज, इतने बर्तन धोए हैं, इतने खाने बनाए हैं, राजमा चावल लौकी आम की सब्जी रोटी। मैं छत पे आया हुआ हूँ दोस्तों, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और दोस्तों मैं देखने आया हुआ हूँ कि टंकी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मुझे नहाना था। तो अभी मैंने देखा तो टंकी में पानी है। सालू बोल रही है बारिश हो गई, इसने बहुत कपड़े धोए थे और अभी एक दो घंटे पहले इसने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे बाहर में बालकोनी में, और सारे कपड़े भीग गए। अब बोल रही है कि मैंने कपड़े धोए और कपड़े भीग गए। निश्चल तू कहाँ जा रहा है इतना तैयार होके? ट्यूशन जा रहा है? है। 4 बजे से ट्यूशन है ना तेरा, लेकिन हाँ। अभी तो 1 बज रहे हैं, हाँ। दोपहर के 1 बज रहे हैं। मेरे मजे आए थे, क्यों ट्यूशन लगता? क्यों? मैं बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं जाऊंगा ट्यूशन। आज तो निश्चल बारिश हो रही है, आज तो तू पार्क में फुटबॉल खेलेगा। है जाऊंगा मैं 2 बजे। 2 बजे जाएगा फुटबॉल खेलने? हाँ। तेरे दोस्त आ रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए? 4 बजे ट्यूशन जाएंगे, 2 बजे पार्क में फुटबॉल खेलने के लिए आ रहे हैं। हाँ। क्या बात है निश्चल, मैं भी चलूँ तेरे साथ फुटबॉल खेलने? नहीं। ये कौन सी बात होती है, मुझे भी आता फुटबॉल खेलना। नहीं। ये बता तू किस गम में है, कपड़े नहीं सूखे तेरे इसलिए? लंच तो बना ले। मैं नहीं खा रहा राजमा, राजमा चावल मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना? मुझे छोले चावल पसंद है, छोले बना ले। बारिश दोस्तों अब नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन दोस्तों मौसम बड़ा अच्छा हो गया कसम से, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है कसम से, घूमने वाला। और निश्चल बोल रहा है कि पापा घूमने नहीं चलोगे कहीं पे? मैंने बोला बेटा अभी देखते हैं, कहीं धूप निकल जाएगी ना तो फिर तू घूमने भी नहीं जाएगा, फिर बोलेगा कि पापा आप यहीं पे ना आम पन्ना बना लो और बर्गर बना लो कसम से। बारिश बंद हो गई है और कपड़े सुखा रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निश्चल बोल रहा है पापा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब तो तू बना ले छोले चावल कसम से। सालू तेरे कपड़े सूख जाएंगे अभी थोड़ी देर में, देख कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठीक है ना? तो छोले चावल तो बना लो। अभी
हाँ दे यार, यार मुझे पसंद है छोले चावल। मैंने सालू को बोला तू छोले चावल बना ले लंच में, तो बोल लिए नहीं राजमा चावल बना है वही खा लो लंच में आज। तो मैंने बोला कि छोले चावल क्यों नहीं बना रही है, क्योंकि उसने सुबह में मेरे को बोला था कि मैंने छोले भीगने के लिए रख दिए थे सुबह सुबह, लेकिन उसने छोले भीगने के लिए रखे ही नहीं है। मैं जब जाके देखा, मैंने बोला कि मैं खुद बना लूँगा छोले चावल, तो मैंने जब जाके देखा तो छोले भीगने के लिए था ही नहीं। अब बोल लिए कि कल बनाना छोले चावल, तो अब कल बनाऊँगा। अभी मेरे को राजमा चावल मेरे को उतना पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या करें, राजमा चावल ही लंच में खाना पड़ेगा। अब तू नाराज़ क्यों हो गया, इतना उदास क्यों है? बारिश बंद हो गई इसलिए? तेरे को फुटबॉल खेलने नहीं जाना है आज पार्क में? अगर बारिश होती तो तू आम पन्ना पीता और सैंडविच खाता और पार्क में फुटबॉल खेलने जाता है, लेकिन अब बारिश हो नहीं रही है इसलिए मैं आम पन्ना बनाऊंगा नहीं और तेरे लिए सैंडविच भी नहीं बनाऊंगा मैं। मेरे लिए पुलाव बनेगा? सालू निश्चल क्या बोल रहा है, पुलाव बना रही है तू लंच में आज, मेरी फेवरेट कसम से? वही बोल रहा है बनाने के लिए पुलाव। अरे मैया, मैं तो सोच रहा था कि तू कुछ नहीं बनाने वाली है, राजमा चावल बने हुए हैं, पुलाव कसम से। फरमाइश रहती है गर्मी में ये बनाओ। तो क्या हो गई, कभी हमारी फरमाइश पे भी खाना बना दिया करो, नहीं तो हमेशा ना अपनी फरमाइश पे ही खाना बनाते हो, लौकी आम की सब्जी और आलू शिमला मिर्च है। आपको पसंद नहीं है, किसके कहने पे बनाई थी बताना? लौकी और आम की सब्जी मेरे कहने पे ही बनाई थी, लेकिन ना मुझे पुलाव ज्यादा पसंद है, तो पुलाव बना ले। तो वो भी आप ही को पसंद थी जो सुबह बनी थी, वो किसको पसंद थी? निश्चल को जो पसंद है पुलाव वो बना ले, क्योंकि मुझे भी पुलाव पसंद है। हमेशा आपका और निश्चल के पसंद का ही खाना बनाती हूं मैं, कौन सा मैं अपनी पसंद का बनाती? अच्छे, अपनी पसंद का नहीं बनाते हो? आम पन्ना, सैंडविच, बर्गर, गोलगप्पे। आपके बेटे के लिए बनता है क्या सैंडविच और आम पन्ना? और कौन पीता है? समोसे बर्गर कौन खाता है? वो ही खाता रहता है। हद है यार। तो ठीक है, तो हमारी फरमाइश पे पुलाव बना ले तू। मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये कौन सी बात होती है, खाना तू अच्छा बनाती है, हम नहीं बनाते इतने अच्छे खाने, ठीक है ना? क्योंकि तेरी मम्मी ने तेरे को हर रेसिपी बता रखी है, ठीक है ना? सालू बोल रही है आप जाके पुलाव बना लो, लेकिन मैंने सोचा पुलाव बनाने में तो एक घंटे का टाइम लगेगा और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, राजमा ही है घर में, तो मैं सोच रहा हूँ राजमा चावल ही खा लेता हूँ आज लंच में कसम से। ऐसे भी ना बढ़िया बनाती है राजमा चावल, लेकिन पुलाव बहुत बढ़िया बनाती है, लेकिन वो बोल रही है आपको खाना है पुलाव लंच में तो आप खुद बनाओ। मैंने सोचा चलो ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, कल बना लेंगे पुलाव, आज राजमा चावल ही खा लेते हैं। चल तू फिर से बिस्कुट सैंडविच बना रहा अपने लिए? नहीं दूंगा। तू मेरे को मत दियो बिस्कुट सैंडविच, कोई बात नहीं, लेकिन तू ना सुबह में भी खाया था बिस्कुट सैंडविच। अरे मैया, तू भी बना रही है बिस्कुट सैंडविच अपने लिए? उसी के लिए बनाया, वो खा। तो निश्चल ने तो अपने लिए बना ही लिया था, मेरे को लग रहा ना तेरे को ही पसंद है बिस्कुट सैंडविच, इसलिए तू बैठी हुई है ताकि तू बिस्कुट सैंडविच बनाए। मेरे लिए तो पुलाव बना नहीं सकती है और अपने लिए बिस्कुट सैंडविच बना के खा रही है तू। ठीक है निश्चल, पसंद आई तेरे को बिस्कुट सैंडविच? दो दो बिस्कुट सैंडविच, क्या बात है। अभी देखो बिस्कुट का डिब्बा रखा हुआ है, टोमेटो केचप रखा हुआ है और साथ में बूंदी, और तीनों को मिक्स करके ना बिस्कुट सैंडविच बनाता है, और निश्चल को बहुत पसंद है बिस्कुट सैंडविच है। निश्चल जो निश्चल को बनाने आती है, हाँ खाता है। क्या बात है निश्चल, निश्चल ये क्या बात है, अभी तूने 4 बिस्कुट सैंडविच खाया ना, अब क्यों बोल रहा है तू 2-3 और चाहिए मेरे को बिस्कुट सैंडविच? बेटा राजमा चावल भी बने हुए हैं, खा ले राजमा चावल। बिस्कुट सैंडविच खाना है, राजमा चावल क्यों नहीं खाना, तेरा फेवरेट है राजमा चावल। आज मेरे पापा आने वाले थे मेरे से मिलने के लिए और निश्चल से मिलने के लिए, लेकिन वो अब नहीं आ रहे क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। कल बोल दिए थे निश्चल को फ़ोन पे, कल मैं आ रहा हूँ तेरे लिए आइसक्रीम लेके, बनाना लेके, मैंगो लेके, तो निश्चल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन अब इसके दादाजी नहीं आ रहे ना तो थोड़ा सा सैड हो गया, बोला पापा कब आएंगे दादाजी? मैंने बोला उनकी तबीयत जब ठीक हो जाएगी ना तब आएंगे।
तो नीचे बोला है ठीक है पापा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी, और जो इस चैनल पर नए आए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए। ओके थैंक्स दोस्तों।